जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में गृहस्थी के जो गाड़ी के पहिए हैं वो बिना महिला के अधूरे हैं। अगर उस गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाए तो जीवन भर उस गाड़ी को चलाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि हमारे भारत देश में किस राज्य की महिलाएं सबसे अधिक फिट हैं और किस राज्य की महिलाएं अनफिट हैं, किस राज्य की महिलाएं सबसे ज्यादा मोटापे से परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, इन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे आज हम। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, मोटापा जांचने के विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों पर एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया जो कि महिलाओं पर हर राज्य में किया गया। इस सर्वे में महिलाओं के कुछ मानक रखे गए, जैसे महिलाओं की हाइट, वेट के साथ साथ कमर का अनुपात और BMI इंडेक्स देखा गया। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे में गांवों के मुकाबले शहरों की महिलाएं अनफिट पाई गई। जी हाँ दोस्तों, गांवों की महिलाएं 20% ओवरवेट मिली जबकि शहरों की महिलाएं 40% ओवरवेट मिली। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में सबसे दुबली पतली 26% महिलाएं बिहार झारखंड राज्य में पाई गई जो कि देश में सबसे पहले नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में MP की महिलाएं सबसे फिट पाई गई। यह रेशियो 40% है और इनका BMI इंडेक्स भी बहुत अच्छा मिला। जबकि भारत का स्वर्ग कहे जाने वाला राज्य J&K की जो 80% महिलाएं हैं वो अनफिट पाई गई। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पंजाब की महिलाएं 40% ओवरवेट का शिकार मिली और इनका BMI इंडेक्स भी खासा अच्छा नहीं पाया गया। यह भी देखा गया दोस्तों, धनवान वर्ग की महिलाएं सबसे अधिक अनफिट पाई गई जबकि निम्नतम वर्ग की महिलाएं फिट पाई गई। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के मोटापे का अनुपात 2015-16 में जहां 19% था वहीं बढ़कर 2019-20 में 24% हो गया। जी हाँ दोस्तों, इन 4-5 सालों में महिलाओं के मोटापे का अनुपात 5% अधिक दर्ज किया गया। दुबलेपन का अनुपात 2015-16 में 23% था वहीं 2019-20 में यह 19% हो गया। यानी कि दोस्तों, दुबलेपन का अनुपात 4% घट गया। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि महिलाएं कितनी अनफिट हो गई हैं। यह सर्वे हाल ही में नेशनल हेल्थ रिसर्च द्वारा किया गया और WHO के मानकों पर खरा उतरता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा? तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।